आज ना हम लोग बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में वेज नूडल्स बहुत ही आसान तरीके से। और इस रेसिपी को देखकर आप रेस्टोरेंट जैसा नूडल्स घर पर बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, आपका धर्मशीला किचन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग नूडल्स को बॉईल करेंगे, तो उसके लिए मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी लिया है पतीला में। और पानी अच्छे से उबलने लगे ना, उसके बाद हम इसमें डालेंगे नूडल्स। तो यहाँ पर नूडल्स लिया है, इसके अंदर हम डाल देते हैं। पानी उबलने लगा है और डाल देंगे, ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे, नूडल्स उबलने के मतलब उबलने के लिए पकने के लिए भरपूर पानी होना चाहिए, नहीं तो नूडल्स बहुत चिपचिपी हो जाता है। इसीलिए थोड़ा पानी का क्वांटिटी ज़्यादा रखें तो अच्छे से उबलते हुए आपका नूडल्स अच्छा पकेगा। देखिए हमारा नूडल्स अच्छे से पक चुका है, ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा इसमें कसर भी रहना चाहिए। और निकाल कर अच्छे से ठंडे पानी से धो लिया है, हल्का सा इसको ठंडा होने देते हैं। तब तक यहाँ पर मैंने चाइनीज़ कढ़ाई लिया है, इसके अंदर हम तेल डाल रहे हैं। तेल को अच्छे से गर्म करना है, ऊपर तक तेल पहुंचना चाहिए। उसके बाद इसमें डाल देंगे 3 चम्मच के अंदाज बारीक कटी हुई लहसुन। लहसुन को 15 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना होता है, नहीं तो लहसुन में कलर आ जाएगा, बस इसका कच्चापन निकालना है। उसके बाद हम डाल देंगे चॉप किया हुआ अदरक। इसको फ्राई करने के बाद ही इसमें थोड़ा सा अदरक डालेंगे चॉप किया हुआ, और इसमें डाल देंगे साथ में लंबा लंबा कटा हुआ हरी मिर्च। डालने के बाद दोनों को साथ में फ्राई कर लेंगे। अब इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 10 सेकंड तक फ्राई करूँगी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे वेजिटेबल, और ये है गाजर और शिमला मिर्च और प्याज। सारे चीज़ों को मैंने लंबा लंबा काट लिया है, एक गाजर था, एक शिमला मिर्च है और एक प्याज है मीडियम साइज का। और इसको भून लेते हैं 15 सेकंड तक, 15 से 20 सेकंड तक फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। अभी गैस को फ्लेम हाई कर दीजिए, क्योंकि सब्जी को पानी नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें नमक भी नहीं डाला है। और जब 15 से 20 सेकंड फ्राई हो जाए ना, उसके बाद पत्ता गोभी भी डाल दीजिए लंबा लंबा कटा हुआ थोड़ा सा, इसको भी हल्का फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा MSG। फ्राई करने के बाद ये देखिए अच्छे से सब्जियां फ्राई हो चुका है, इसमें थोड़ा सा MSG डाल देते हैं और इसको चला लेते हैं। उसके बाद हम इसमें नूडल्स डाल देंगे, तो नूडल्स को डाल देते हैं। नूडल्स डालने के बाद आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। उसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे, तो अच्छे से चलाते हुए हम फ्राई करेंगे। तो गैस को हाई फ्लेम पर ही रखिएगा ज़्यादा, क्योंकि इसमें धुआं आना चाहिए, तभी नूडल्स एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके तैयार होता है। तो देखिए कितना बढ़िया खिला खिला हमारा नूडल्स बन गया है। अब इसमें सीजनिंग डाल देंगे, तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे विनेगर 1 चम्मच के अंदाज, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे सोया सॉस, डार्क सोया सॉस हल्का सा डालूंगी, 1 चम्मच के अंदर डाला है, और 1/2 चम्मच डाला है ब्लैक पेपर पाउडर, और डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, और फिर से हम चला लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ डालना नहीं होता है, लेकिन टेस्टी लगता है खाने में, एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से भी बनाकर। और अच्छे से जब फ्राई हो जाए ना, तो उसके बाद गैस को बंद कर दें। अब ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा नूडल्स फ्राई हो चुका है, और बस मिक्स कर लेते हैं। बस एक मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है और गैस को बंद कर दिया है। अब इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो नूडल्स टूटने लगता है, तो इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा मैंने पत्ता गोभी को बचा कर रखा था, वो डाल रही हूँ, और थोड़ा सा डाल रही हूँ हरा प्याज का पत्ता, और इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ चॉप किया हुआ धनिया पत्ता, और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, और फटाफट से हम प्लेटिंग कर लेंगे एकदम गरम गरम नूडल्स। बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से भी बना के। तो इसको नीचे उतार लेते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद।
कितना खिला खिला बना है ना। और यहाँ पर मैंने प्लेट लिया है, इसके अंदर हम डाल देते हैं एकदम गर्मा गर्म नूडल्स। बारिश के दिनों में तो खाएंगे ना नूडल्स, तो और मज़ा आता है खाने में, स्पाइसी और टेस्टी। थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं हरा प्याज के पत्ता से और हमारा नूडल्स बनकर तैयार है। फ्रेंड्स कैसा लगा वेज नूडल्स का रेसिपी? आप भी इस तरीके से बनाकर खाइए, बहुत ही आसान तरीका है, आपको रेस्टोरेंट याद आ जाएगा। अगर आपने चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और खाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।